बैसाखी का पर्व आने में अब 2 दिन ही बाकी रह गए हैं और रणबीर नहर में अभी तक प्रशासन द्वारा पानी नहीं छोड़ा गया है। नहर के अंदर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसे साफ नहीं किया गया। लोगों ने इसके लिए प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। महाराज जी हालत बनी है नहरी विषय है, इसी सफाई नहीं कीती इस इे खेत्र पानी जाना ते 2 दिन मेले रही गए न, ठीक है, यदि सफाई कीती जा। और महाराज ये हालत देखो कि हालत बनी है, किसान ने बड़ा नुकसान होता जी, ठीक है, इन्नी गंदगी है, इसी सफाई कीती जा, पानी खेत्र ज्यादा, ये देख लो कि हालत बनी हुई है। अपना त्यौहार बैसाखी तो भुल जाते हैं, इसी शहर धूमधाम कर मनाना चाहता। देखिए, हम तो हर दफ़ा इस बात को उठाते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जब भी बैसाखी आती है तो नहर की हालत इतनी बदतर होती है, हम बार बार इस चीज़ को उठाते हैं कि नहर बैसाखी पे नहर को साफ़ किया जाना चाहिए। और मेरे को लगता है अब 2 ही दिन बचे हैं बैसाखी को, उसके साथ साथ मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि अभी आपको आपने देखा कल रामनवमी थी, परसों अष्टमी थी, और हमारे यहाँ पे रिवाज है नवरात्रों में घर में माता की साख लगाते हैं और उसको 8 दिन के बाद या 9 दिन के बाद विसर्जन करते हैं। और विसर्जन कहाँ पर करेंगे जब नहर में पानी नहीं होगा, तो विसर्जन कहाँ पर करेंगे? और मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से, उनके चीफ इंजीनियर से एक दरख्वास्त करूंगा कि वो हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रख के अष्टमी और नवमी से पहले नहर का पानी छोड़ें और नहर की साफ़ सफाई करें। अभी 2 दिन रह गए हैं बैसाखी को, और आपको पता है ये हिंदुओं का बहुत ही अच्छा त्यौहार है, और यहाँ पे हर साल मेले लगते थे, पिछले 2 साल से इसलिए नहीं लग पाए कि कोरोना था, पर उससे पहले यहाँ पर इतनी रौनक होती थी, 2-2 दिन पहले ही यहाँ पे साफ़ सफाई हो जाती थी, यहाँ पे लोग आगे यहाँ पे स्टॉल लगाते थे। आज आप देखिए, अगर आप दिखाना चाहेंगे तो पीछे देखिए नहर की क्या हालत है। जिस दिन पानी छोड़ेंगे ये बैसाखी में, तो यहाँ पे लोग उस दिन हमारे में हिंदुओं में क्या है, बैसाखी वाले दिन नहाते हैं यहाँ पे आके, हिंदू नहाने पर इनका हमारा ये पर्व है, यहाँ पे उस दिन नहाते हैं यहाँ पे आके, पर इतने गंदे पानी में आप कैसे नहाएंगे? इतनी गंदी हालत है यहाँ पे, इतना कचरा पड़ा हुआ है, ना कोई साफ़ है ना सफाई है। तो मैं फिर डिपार्टमेंट को एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसकी तरफ ध्यान दे, हिंदुओं की आस्था के साथ ना खेलें, और बैसाखी से कम 4-5 दिन पहले इसकी साफ़ सफाई करें और 2-3 दिन पहले पानी छोड़ें, और अष्टमी और नवमी का भी ध्यान रखें। उसमें साख विसर्जन करना होता है तो उसके लिए भी लोगों को तवी में जाना पड़ता है, तवी के बीच में जाना पड़ता है। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.